स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। करनाल प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसा लगने लगा है कि लोगों के मन से कोरोना का भय बिल्कुल खत्म हो गया है। कोरोना को लेकर करनाल के पुराने बस अड्डे पर कैसे लापरवाही बरती जा रही है, जब समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के पुराने बस अड्डे का दौरा किया तो वहां कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाही साफ देखने को मिली। अधिकांश यात्रियों के द्वारा मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, ना ही बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ना ही यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होते हुए दिख रही है। ऐसे में इस बीमारी को कैसे कम किया जा सकता है और प्रशासन द्वारा दिए जा रहे जागरूकता अभियानों को कैसे कामयाबी मिल सकती है, यह सोचने का विषय है। हालांकि मास्क ना पहनने पर चालान का प्रावधान भी है, लेकिन चालान का डर भी लोगों को नहीं है। रोडवेज को कोरोना से निपटने के लिए क्या गाइडलाइन है, इसकी कोई आधिकारिक सूचना विभाग के पास नहीं है। देखिए करनाल से हमारे संवाददाता तरुण मदान की यह एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय मौजूद हूं करनाल के सामान्य बस अड्डे पर, पुराने बस अड्डे पर। मैं आपको एक बार एक जानकारी और दे दूं कि पिछले कुछ दिनों से, पिछले एक माह से भी अधिक समय से कोरोना ने करनाल शहर के अंदर ही नहीं, देश भर में अपने पैर पसारने फिर से शुरू कर दिए हैं। इसको देखते हुए करनाल प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता को जागरूक किया जा सके। और इतना ही नहीं, पर करनाल पुलिस द्वारा भी विशेष तौर पर सभी थाने इंचार्जों को और सभी पुलिसकर्मियों को और लोगों को खास तौर पर हिदायत दी गई कि बिना मास्क के ना निकले। इतना ही नहीं कि जो भी कोविड से जुड़ी गाइडलाइंस है वो पालन करें, लेकिन हम इस समय यहाँ पर मौजूद हैं करनाल के बस अड्डे पर। यहाँ देखने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर लोग कितने कोविड की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, कितने लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं और कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक बस है। आप बस में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर, आप बस में देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, मास्क डाले जा रहे हैं नहीं, कुछ ने डाले हैं कुछ ने नहीं डाले। लेकिन जिन्होंने नहीं डाले उनके लिए हमारी ये अपील है कि कृपया करके अपने मास्क लगा लें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। अब मैं बात करने का प्रयास करूँगा यहाँ पर इस बस के कंडक्टर भी हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे हम। सर, आपका शुभ नाम? बलवान सिंह मेरा नाम। हाँ जी सर, बलवान सिंह है मेरा नाम। बलवान सिंह सर, जैसा कि आपको पता है करनाल प्रशासन के द्वारा, रोडवेज के द्वारा कोविड से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य किया गया। सर, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करते हैं अगर कोई पैसेंजर ऐसा है कि मास्क का प्रयोग नहीं करता? नहीं, हम बोल देते हैं जो बगैर मास्क होता है जिसको बोल देते हैं हम मास्क लगाओ, तो मास्क लगा लेते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या? देखो, इसके लिए तो मजबूरी है सबकी, हम तो बस में इतनी कवर नहीं कर पाते जी, फिर तो 10 ही सवारी जाएंगी बस में अगर डिस्टेंसिंग का हिसाब किताब रखे तो। हाँ जी, अभिभाग की तरफ से कुछ नहीं है जी, कोई गाइडलाइंस उन्होंने आपके लिए जारी की बसों में, जैसे आप लोग सारा दिन? हाँ, ये पैसेंजर के साथ? हाँ, ये तो जारी किए जी, मास्क लगवाना है सब सवारियों का। थोड़ा सा सर, आपकी सेफ्टी के लिए विभाग ने कुछ आपको कभी कोई सैनिटाइजर दिया? मास्क पहले तो दे रहे थे जी, अब तो नहीं दे रहे। अगर बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है फिलहाल तो, हमारी तो नाइट में है जी, नहीं किया जा रहा है। देखिए, ये थे मेरे साथ एक बस के कंडक्टर बलवान सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो पैसेंजर मास्क नहीं डालता उसको मास्क डालने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इनकी मजबूरी है। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो यहाँ पर बसों में पैसेंजर कम हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो चक्कर हैं वो भी कम लगेंगे। सर, विभाग द्वारा पिछले साल कोविड-19 के दौरान कुछ फेयर बढ़ाए गए थे और ये कहा गया था कि उन फेयर्स को वापस कर लिया जाएगा जल्दी, कोई ऐसा कोई इसके बारे में मेरे को भी ज्ञान? सर, तो अब वो बढ़ा हुआ किराया चल रहा है? किराया तो जो है किलोमीटर के हिसाब से वही है किराया, तो जी जो दोबारा से कम सवारियों के एवज में किराया बढ़ाया गया था। सवारी के एवज में तो कोई नहीं बढ़ाया गया था, तेल की डीजल की वजह से बढ़ाया गया था जी, वही चला हुआ किराया। देखिए, इनका ये कहना है कि जो फेयर है, फेयर की ये फिलहाल पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते, तेल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से दाम जरूर बढ़े थे, लेकिन इनको प्रशासन के द्वारा, इनको रोडवेज के द्वारा ना तो इनको कोई सैनिटाइज़र दिया जा रहा है और ना ही पहले की तरह गाड़ियों को सैनिटाइज़ किया जा रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ कि अगर ये रहते हैं, एक महिला मेरे साथ, मैम आपने मास्क क्यों नहीं डाला अभी? जैसे मास्क तो जी अभी तारा था, सांस से घुट रहे थे। आपको पता है कितनी गंभीर बीमारी? हाँ जी,
हाँ जी अब डालेंगे। देखिए महिला थी, इनका ये कहना है कि इनका सांस घुट रहा था, इन्होंने मास्क इसलिए उतार दिया, लेकिन अब ये डालेंगे। हम एक बार फिर से अपील करते हैं इनसे कि वो इस तरह का कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं। आम जनता से अपील है समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से कि वो ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ जाए। आप ये देख सकते हैं, ये एक बस हो रहा है, इस बस के पैसेंजर हैं, ये भी बिना मास्क के बैठे हैं। बड़े भाई आपने मास्क क्यों डाला? मास्क है मेरे पास, डाला क्यों नहीं? है भी, अभी डालूंगा, अभी डालूंगा। कितनी देर होगी आपको उतारे हुए? 10 मिनट कम से कम। बस में करीबन 50 आदमी है। देखिए इस बस के अंदर 50 आदमी हैं, मास्क नहीं लगाया। इनका ये भी कहना है कि इन्होंने मास्क अभी उतारा है, 10 मिनट पहले उतारा है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये छोटी छोटी गलतियां भारी पड़ सकती। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारी संख्या में ऐसे लोग हैं, पैसेंजर्स हैं, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया। कुछ के हर किसी के अपने अपने तर्क हैं, हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं, लेकिन हम एक बार फिर से बता दें कि कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मैं एक और सज्जन से बात करने का प्रयास करूंगा, ये भी करना बस में, एक बस के कंडक्टर हैं। सर आपका नाम क्या? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, जैसे अब कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हाँ जी, आपको रोडवेज विभाग की तरफ से कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? हाँ जी, मास्क लगा के रखना है, थोड़ा डिस्टेंस ही रखना है। तो आपकी गाड़ी में हो रहा है डिस्टेंस? कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर पब्लिक को सर्विस भी देनी है। आपको कभी विभाग के द्वारा पहले की तरह अभी कोई सैनिटाइजर दिए जा रहे हो या गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है फिलहाल ऐसा कुछ भी। अच्छा सर, पिछले साल जब कोरोना फैला था, हाँ, तब रेल बस की टिकटों के किराए बढ़ाए गए थे, हाँ जी, वो किराया किस हिसाब से लिया जा रहा है? क्या उन्हीं किरायों पर चलाया जा रहा है? उन्हीं किराए पे है, वो 1 किलोमीटर का 1 रुपए के हिसाब से लिया जा रहा है। लेकिन तब तो प्रशासन ने यह कहा था ना कि वो किराया जो है वापस ले लिया जाएगा। हाँ जी, वो वापसी है, अभी जो ऊपर से डिपार्टमेंट से है 1 किलोमीटर का 1 रुपए उसी के हिसाब से ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मौजूदा समय में 1 किलोमीटर के हिसाब से हेल्प किराया लिया जा रहा है। ऊपर से जो आदेश है उन्हीं के अनुसार किराया लिया जा रहा है, किसी से कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जा रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिन्होंने मास्क नहीं डाला हुआ। सर मास्क, हाँ जी हाँ जी, मास्क क्यों नहीं लगाया था आपने? अभी बस उतरना है। कितनी गंभीर बीमारी फैली हुई है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो अब आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मास्क लगाना चाहिए। देखिए ये थे, इनका भी यही कहना है कि मास्क लगाना चाहिए। इनका भी यही तर्क है कि इन्होंने अभी अभी मास्क उतारा है, लेकिन अभी अभी या छोटे छोटे ये तर्क हैं, ये महंगे साबित हो सकते हैं आने वाले दिनों में। हम इनसे और भी लोग ऐसे यहाँ पर बड़े सारे लोग मौजूद होंगे जिन्होंने मास्क नहीं डाला। मेरे साथ देख सकते हैं ये चेयर्स पर बैठे हैं कुछ लोग, जिनके व्यूज़ आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, चेयर्स पर बैठे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगा रखा। हाँ जी हाँ जी, अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे और लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। एक हमारे साथ कंडक्टर साहब जुड़े हुए हैं। सर आपका शुभ नाम? राजपाल। राजपाल जी, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था सर, पिछले साल जब कोरोना की बीमारी फैली थी उस दौरान रोडवेज के द्वारा किराए बढ़ाए गए थे और यह कहा गया था उन किरायों को वापस भी कर ले लिया जाएगा, क्या वो किराए वापस लिए गए अभी तक फिलहाल? इसके बारे में तो सारा अधिकारी को पता, हमारे को कोई इससे मौजूदा समय में कितने रुपए किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाता है ये भी पता नहीं आगे क्या प्राइस या कनेक्टर बता सकता, हम तो ड्राइवर हूँ। अच्छा ड्राइवर, अच्छा आप ड्राइवर हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपकी गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है अभी फिलहाल के नहीं? अभी तो किया जा रहा था आपको? हाँ जी अभी तो किया जा रहा, अभी सैनिटाइज किया जा रहा। मैं 3-4 महीने छुट्टी पे था, मेरे को ये छुट्टी पर थे, इनको इसलिए इनके पास पुख्ता जानकारी नहीं है। हम और लोगों से बात करने का भी प्रयास करेंगे कि आखिर मास्क क्यों नहीं लगाया, आखिर जो बाकी रहा फेयर का, फेयर वाला अभी तक किसी को पुख्ता जानकारी नहीं है इसके बारे में। और ये भी हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करें। आपको कहाँ जाना है? कमालपुर। हम कमालपुर। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया अभी? नहीं चलो ये बता दो, लगाया क्यों नहीं बता दो। आपको पता है ना कि मास्क लगाना अनिवार्य है, अगर मास्क नहीं लगाया जाता तो 500 रुपये का चालान काटा जाता है। ठीक है, पता आपको? नहीं पता नहीं था। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने मास्क नहीं लगाया? नो सर, मैं कोरोना को मानता ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई बीमारी है, क्योंकि आपने कभी सुना है आपके भी कोई कज़न होंगे, रिश्तेदार होंगे, उनको हुआ हो, कोई सुनने में आया है? बस सरकार आंकड़े देती है कि वहाँ पे ये हुआ है, वहाँ पे ये हुआ है। आप ही बताओ, मतलब आपके कोई कज़न हो, कोई भी हो, मतलब आपको पता चला हो कि वहाँ पे ये हुआ। शुभ नाम क्या सर? मेरा शुभ नाम सेवक शर्मा। सेवक शर्मा, सेवक जी। यस सर। आई एम फ्रॉम पानीपत। यस सर। जब
आपके घर में कोई मास्क नहीं लगा रहा अभी तक फिलहाल, मतलब आपकी पूरी फैमिली ऐसी ऐसे व्यूज है उनके भी कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है सरकार? हमारे तो पानीपत में भी कोई मास्क नहीं लगाता सर। इतने लोग जो मर रहे हैं कोरोना से, इनके बारे में जो इतने केस सामने आ रहे हैं, तो ये कहां से आ रहे हैं? ये सरकार की आई थिंक मैं चाल ही कहूँगा, क्योंकि इटली ने भी आई थिंक थोड़े दिन पहले सर्वे किया था, उन्होंने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि कोरोना नाम की महामारी है ही नहीं, मतलब ठीक है, मतलब अब आपका कुल मिलाकर ये कहना है कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ नहीं। सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, इसलिए आप जो भी कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस है उनको पालना नहीं करना चाह रहे, आपका ये कहना? पालना करो, पर काम कैसे चलेगा सर, मतलब जो वर्क नहीं करेंगे? तो सर आपसे मास्क की बात कर रहा हूँ, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना क्यों नहीं है? हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब करनी अच्छी बात है सर, ये मानता हूँ मैं, मतलब ठीक है सर, बट मास्क इज नॉट, मतलब देखिए ये थे मेरे साथ सेवक शर्मा जी जो पानीपत से, इनका ये मानना है कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ सरकार आंकड़े दे रही है। हालांकि इन्होंने हमें विदेशों का भी एक उदाहरण दे दिया कि वहाँ भी उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, सिर्फ सरकारी आंकड़े ही जाहिर कर रहे हैं, अगर ये कोरोना चलता रहा तो काम कैसे चलेगा? दोस्तों मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल रोडवेज के जीएम कुलदीप सिंह जी, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा। सर सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। हाँ जी बोलिए। सर आपकी ड्यूटी कोरोना में भी लगी, आप चेकिंग पे जा रहे हैं लगातार, सर आपको कैसा वो लग रहा है कि लोग जागरूक हैं या नहीं, या उन्हें और जागरूक करने की जरूरत है? हाँ, लगातार हम जा रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को ड्यूटी पे। सर अगर हम करनाल बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर कोरोना से बचाव के लिए कितना को गाइडलाइंस के पालना की जा रही है सर? हाँ, बार बार अनाउंसमेंट कर रहे हैं, मास्क लगाओ, सभी सैनिटाइजर का यूज करो। सर जिनके मास्क नहीं उनके क्या चालान भी काटे जा रहे हैं? वो संबंधित जो हैं जिनकी जोन पड़ती है, जोन बटी हुई है, जैसे मेरा सदर पी एस सदर में है, तो उनकी ड्यूटी बनती है, वो पुलिस कर रही है इसमें काम। डेली बसों को फिलहाल सैनिटाइज किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? आप पहले तो कर ही रहे थे, वॉशिंग प्रॉपर हो रही है बसों की, हाँ सैनिटाइजिंग का अभी नहीं है। और सर सोशल डिस्टेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि हमने भी व्यूज़ लिए हैं, लोगों से बात करी है, तो हमें कम ही देखने को मिला क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालना नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या मेजर रीज़न हो सकता है? देखो अभी तो हमारे पास ऑर्डर है कि बसों को फुल कैपेसिटी में चलाएं, तो पालना करनी है उनकी। एक सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट ईयर कोरोना के टाइम में, COVID-19 के टाइम में बसों के फेयर्स बढ़ा दिए गए थे, और तब ये कहा गया था कि जो बढ़े हुए फेयर्स हैं उनको वापस ले लिया जाएगा, तो सर इसके क्या, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऊपर पॉलिसी मैटर है, वो तो पॉलिसी का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं करना चाहता। इस बारे में कुछ नहीं करना चाहता, पॉलिसी मैटर है, ये ऊपर से ही, ऊपर से कोई गाइडलाइन आएगी तो फिर उसी के बाद कोई निर्णय हो सकता है। हाँ फुल कैपेसिटी में जितनी 52। कुछ अपील करना चाहेंगे सर लोगों से? हाँ बस वो कोरोना की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइजर का रेगुलर प्रयोग करता रहें, क्योंकि दोबारा दूसरी वेव आई है, इसमें केसेस बढ़े हैं देखने में आया है, विशेषतर स्कूलों में ज़्यादा आ रहे हैं केसेस जी। ये देखिए ये थे मेरे साथ करनाल रोडवेज के जीएम, इनका ये कहना है कि इनके द्वारा लगातार बस स्टैंड पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भी लोग पैसेंजर्स आ रहे हैं वो मास्क अवश्य डालें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़रूर करें। इनका ये कहना है कि पहले गाड़ियों को सैनिटाइज किया जाता है, लेकिन अब प्रॉपर तरीके से वॉशिंग करने के बाद ही पैसेंजर्स को बिठाया जा रहा है। और भाड़े के माँ भाड़े की अगर बात करें तो इनका ये कहना है कि वो पॉलिसी मैटर है, जैसे जैसे उच्च अधिकारियों के आदेश आएंगे वैसे वैसे काम को किया जाएगा। फिलहाल अभी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात को लेकर इनका कहना है कि फुल कैपेसिटी को लेकर गाड़ियों को रवाना किया जा रहा है, क्योंकि ऊपर से अभी कोई आधिकारिक सूचनाएँ नहीं आई हैं। मैं तरुण गोदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।